ऑलराइट गाइस, तो आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट के बहुत ही ज़्यादा हॉरर सीड से, जो कि लिटरली बहुत हॉरर है। एंड उन सीड के अंदर बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ भी हैं एंड स्कैरी चीज़ भी हैं। मेरे पास एक वियर्ड सीड है जिसके अंदर वियर्ड स्ट्रक्चर्स एंड एक्सपेरिमेंटल लैब वगैरह हैं, तो एक बार लगाते हैं उस सीड को। तो ये रही वो सीड जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है, एंड ये मैं स्क्रीन पर चला दूंगा तो उधर से आप देख सकते हो। और ये बेड रॉक एडिशन में वर्क करता है। इसको पहले तो क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को। तो ठीक है, मैं वर्ल्ड के अंदर तो आ चुका हूँ एंड मैं पहले से ही क्रिएटिव में था, तो मुझे अब क्रिएटिव में जाने की जरूरत नहीं है। यार ये क्या चीज है, इतनी बड़ी केव, बोलू क्या बोलू, थोड़ा फेस टाइप लग रहा है यार। थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ एंड ये कुछ अलग ही वियर्ड चीज लग रही है। ऐसे एक फेस है जिसका ये मुंह है एंड ये दो आंखें हो सकती हैं। ये थोड़ी वियर्ड चीज है यार, बहुत ज्यादा मैं फर्स्ट टाइम ऐसी चीज देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने नाइट विजन पोशन ले लिया है, बट यार ये ज्यादा बड़ी केव नहीं है। मुझे लग ही रहा है कि कोई ना कोई मुंह है ये, एंड ये सीधे फेस बना पड़ा है यार, बहुत ज्यादा स्कैरी चीज है। एंड अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीड के पास। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सीड है उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर जो उस वर्ल्ड के अंदर जो एंड सिटी है उसके अंदर हर पिल्लर से फ्लोट करते हैं, मतलब कि हवा में लटके रहते हैं। तो ये भी थोड़ी स्कैरी चीज है। तो एक बार सीड लगाते हैं एंड क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को। तो ये रही वो सीड जिसके अंदर फ्लोट करते हैं पिलर्स एंड जल्दी से क्रिएट करते हैं इस वर्ल्ड को भी। तो यार मैं सीधे इधर स्पोन हो चुका हूँ, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जिसको भी पता है वो कमेंट में लिख देना। बट यार मुझे इधर स्ट्रांग होल्ड ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ढूंढना नहीं है, मैं सीधे कमांड से ले सकता हूँ, तो कमांड लिखते हैं जल्दी से। तो ठीक है, मैं स्पेक्टेटर मोड में आ चुका हूँ एंड स्ट्रांग होल्ड किधर है यार। तो लेट्स गो यार, हमें स्ट्रांग होल्ड मिल चुका है, जल्दी से इसमें एंडर आई लगाते हैं एंड फिर चलते हैं। तो ठीक है, मैंने स्ट्रांग होल्ड एक्टिवेट कर दिया एंड अभी चलते हैं अंदर। तो लेट्स गो यार, मैं एंड सिटी के अंदर आ चुका हूँ एंड अभी देखते हैं कि फ्लोट करते भी है यानी। एंड यार ये तो सच में फ्लोट कर रहे हैं हवा में पिल्लर्स, ये तो कहीं भी रखे हुए नहीं है पिल्लर्स, बिल्कुल हवा में फ्लोट कर रहे हैं। एंड ये कैसे उड़ रहा है इस जगह पे, और ये जो और ड्रैगन इधर रुका हुआ है ये भी फ्लोट कर रहा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। हर चीज़ इधर फ्लोट कर रही है, लैंड तो समझ आता है कि वो तो हवा में उड़ रहे हैं, बट पिलर्स भी यार, ये ड्रैगन इधर रुका हुआ कैसे है, इसे मारे तो मर तो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ लग रही है यार। ये बिल्कुल हवा में लटके हुए हैं पिलर्स, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये तो। एंड अभी चलते हैं नेक्स्ट सीड के ऊपर। थर्ड सीड ये रही जिसके अंदर बताया जाता है कि हम स्पॉन होंगे एक मशरूम बायोम के अंदर, बिल्कुल ओशियन के बीच एक मशरूम बायोम है, और वो हम थोड़ी ऊंचाई से देखते हैं बायोम को, तो वो हमें एलियन की तरह लगती है। तो ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सीड है, इसे भी टेस्ट करके तो देखना बनता है। एंड लेट्स गो, क्रिएट मैंने कर दी है अपनी सीड। तो यार मैं वर्ल्ड तो क्रिएट हो चुका है, बट मैं मशरूम बायोम में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, शायद से ये सीड बस्टेड है। और मैं ओशियन तो है इधर, बट मशरूम बायोम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं, शायद से इधर ही पास में कुछ ना कुछ हो। बट यार गाइस, आज की वीडियो से इतना ही। एंड आज मैंने दो सीड एक्सप्लोर करी और की बिल्कुल रियल थी, बट जो मैंने लास्ट वाली सीड एक्सप्लोर करी है वो तो बिल्कुल बस्टेड है। तो यार गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, इसका पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके बताना, इससे बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े सीड लाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।